सीधे 17,000 की बात करो, 17,000 देने में क्या अड़चन नहीं, क्यों नहीं, क्या बात है, अपील क्यों डालनी पड़ी। हमारे देश में ऐसा भी ना हो कि टीचर फटे कपड़े पहन के चला जाए और वो बीबीसी लंदन में छप जाए, वॉल स्ट्रीट जर्नल में छप जाए, या ऑस्ट्रेलिया न्यूज में छप जाए, या इस तरह से चीजें छपे, वो भी अच्छी बात नहीं। अपने देश का सम्मान भी बढ़ाना है, अपने देश का गौरव भी बढ़ाना है, अपने देश की वास्तविकता को भी लाना है और अपने देश की सरकारों का मान मर्यादा भी बढ़ानी है और काम करना है। इसलिए हमने कोई हिंसक आंदोलन नहीं किया, कहीं कोई रास्ता नहीं रोका, हमने सर किसी मंत्री प्रधानमंत्री और योगी जी मोदी जी किसी का घेराव नहीं किया। हम पर कहीं कोई ऐसा नहीं कि हमने योगी जी का आवास प्रवास घेर लिया हो, हमने कहीं चुनाव में काले झंडे दिखाए हो, हमने कहीं विरोध किया हो, हमने कहीं धरना प्रदर्शन किया हो, हम पर कहीं इस बाबत FIR हो, हमने कोई कानून को तोड़ा हो, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। एक छोटी सी एक अपील और मैं कहूंगा कि कल जब बहस करें तो 100 बच्चों की बाध्यता और ट्रांसफर के मुद्दे पर भी थोड़ी चर्चा कर दें। इनके साथ क्या होता है कि जिस स्कूल में 100 बच्चे नहीं होते वहां से उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है और ये काम अभी चल रहा है धुआंधार, अभी कई अनुदेशकों की सेवा ही समाप्त कर दी जाएगी। ट्रांसफर और उसके अगर वो दूर है तो ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन दूर ट्रांसफर ना किया जाए, उस ब्लॉक में ही रखा जाए, ब्लॉक के गाँव में रखा जाए। अगर ब्लॉक के गाँव से दूर है तो उसको ट्रांसफर करके उसके ब्लॉक में रखा जाए, पति पत्नी है तो एक ही ब्लॉक में रखे जाए, खर्च कम हो, समायोजन सही हो, आगे परिवार अच्छा चले, बुजुर्गों की सेवा हो सके, एक ही ब्लॉक में रहेंगे। नहीं तो ये तो पढ़ाने में लगे रहेंगे और इनके माँ बाप वृद्धावस्था वृद्धाश्रम में चले जाएंगे, वहाँ वृद्धाश्रम बढ़ने लगेंगे, फिर वृद्धाश्रम में जाके वहां पर योगी जी के लिए बदनामी करेंगे कि लो जी इतने बुजुर्ग वृद्धाश्रम में आ गए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। सबकी माँ बाप प्यार करते हैं, माननीय योगी जी जैसे अपने माता पिता माँ को प्यार करते हैं, माननीय योगी जी जैसे अपनी माँ को प्यार करते हैं, वैसे ही सभी प्यार करते हैं, सबके माँ बाप तो एक और प्यार करने वाले होते हैं। और इसलिए मेरा प्रयास है, आज अनरेबल हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा सुना, चीफ जस्टिस ने 12 तारीख को भी सुना था और कल भी सुनेंगे, लगातार डे टू डे हियरिंग हो रही है और वो अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है, जुझारू काम हो रहा है। राणा ठाकुर भी हमारे जुड़ गए हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं राणा ठाकुर जी। देखते ही राणा ठाकुर ने रिक्वेस्ट की कि मुझे भी सिंह साहब को धन्यवाद देना है कि 30,000 परिवार की रोजी रोटी की बात है, क्योंकि राणा जी आते हैं तो 30,000 परिवार की बात, और राणा जी तो रोजगार को लेकर हमेशा ही मुखर रहते हैं। राणा ठाकुर जी समसामयिक विषयों पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, नींव की ईंट की तरह काम कर रहे हैं,